हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आप सभी का हर दिन मंगल में हो। आज मैं आपको 20 मार्च बुधवार आंवला एकादशी है, जिसे हम रंग भरे एकादशी भी कहते हैं, मैं आज आपको उसकी कहानी सुना रही हूँ। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज करते थे, जिसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। समस्त राजा प्रजा एकादशी व्रत को किया करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया। राक्षसों ने राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का कठिन प्रयोग किया, मगर उन्हें कोई कष्ट ना हुआ। यह देखकर वह सब आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली राक्षसों की संख्या देखते देखते बहुत बढ़ गई, तो राजा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गए। उसी समय उसके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की आंखें खुली, तो उन्होंने सभी समस्त राक्षसों को मरे पड़े देखा। अब वह इस उधेड़बुन में पड़ गए कि इन्हें किसने मारा। तभी आकाशवाणी से यह सुनाई पड़ा कि हे राजन, यह समस्त आक्रमण तुम्हारे आंवला एकादशी के प्रभाव से मारे गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त राज्य में इसी एकादशी के महत्व को कह सुनाया। राक्षसों के विनाश से समस्त प्रजा सुख चैन की बांसुरी बजाने लगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो आंवला एकादशी की जय। मेरा यह चैनल आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। राधे 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 कृष्णा।